नमस्ते फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं अंडा कढ़ी बनाऊंगी और उसकी रेसिपी आप सबको बताऊंगी। चलिए शुरू कर। देखिए, ये अंडा है, मैं 6 अंडा उबाली हूँ। इसको बीच से ऐसे कट कर दे रही हूँ, इसे ऐसे कि इसमें अंदर मसाला घुस जाएगा। सारे अंडा मैं ऐसे ही कर लूँगी। देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी मिला के इसको खूब अच्छी तरह से ऐसे मिला दूँगी। तब तक इसको मैं मिला दी हूँ और रख दे रही हूँ, और मैं और सारी तैयारी कर लेती हूँ। देखिए, ये आधा कप दही है, मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच ये मसाला है मिक्स मसाला, और 1 चम्मच ये गरम मसाला, 1 चम्मच ये भुनी हुई जीरा पाउडर। अब सबको मैं मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह। इसमें देखिए, दही में सब मसाला मिला के मैं इधर रख दे रही हूँ बगल में। देखिए, अंडे को मैं थोड़ी सी फ्राई करूँगी। देखिए, मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाली हूँ। देखिए, मेरा खूब अच्छी तरह से फ्राई हो गया, मैं निकाल दे रही हूँ। देखिए, उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा और तेल डाल दी हूँ, और मैं जीरा डाल रही हूँ, और इसी में 2 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी डाल रही हूँ। 1 बड़ा सा प्याज बारीक काटी हूँ और वो डाल रही हूँ। इसको खूब अच्छी तरह से भूनूंगी मैं। देखिए, इसमें मैं अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट बनाई हूँ, वो डाल रही हूँ। इसीलिए मैं हरी मिर्च काट के नहीं डाली हूँ, मैं पीस के डाल रही हूँ। फिर मैं खूब अच्छी तरह से भून लूँगी, तब टमाटर डालूँगी। देखिए, मेरा अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट भून गया। अब मैं इसमें टमाटर पीसी हूँ, 2 टमाटर पीसी हूँ, इसको मैं डाल रही हूँ। अब इसको भी मैं खूब अच्छी तरह से भून लूँगी, तब मसाला डालूँगी मैं इसमें। इसी के साथ मैं नमक भी डाल दे रही हूँ। नमक मैं अपने अनुसार डाल रही हूँ, आप अपने अनुसार डालिएगा। देखिए, मेरा टमाटर खूब अच्छी तरह से भून गया है। ये जो मैं दही में मसाला मिला के रखी थी, अब मैं वो डाल रही हूँ। इसको भी मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। देखिए, मेरा मसाला कितना अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है। अब तेल छोड़ दिया, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। देखिए, मैं पानी 1 कप के हिसाब से डाली हूँ। अभी पानी मैं डाल रही हूँ, खूब अच्छी तरह से उबल जाएगा, उसके बाद मैं अंडा डालूँगी। देखिए, मैं पानी डाली थी, खूब अच्छी तरह से उबल गया है, मैं अब इसमें अंडा डाल रही हूँ। अब अंडा डालने के बस 2-3 मिनट के बाद मैं बंद कर दूँगी। देखिए, मेरा अंडा हो गया, मैं थोड़ी सी इसमें धनिया का पत्ता डाल रही हूँ। अब मैं इसको बंद कर दे रही हूँ, हो गया है खूब अच्छी तरह से। देखिए, मेरा अंडा कढ़ी बनके एकदम तैयार हो गया है। आप भी बनाइए और खाइए, और मुझे बताइए कि कैसा बना है। अगर मेरी अंडा कढ़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।